हेलो फ्रेंड्स, आजकल हर जगह में फ्लैट सिस्टम आया है, बड़ी बड़ी सिटी हो रही है, जगह की बहुत कमी है और वहाँ बिल्कुल ही धूप आती नहीं है। हमें इच्छा तो बहुत होती है पेड़ पौधे लगाने के लिए, सभी को पसंद थे, लेकिन धूप नहीं आती है। मेरा ही उदाहरण लीजिए, हमारे घर में 4 महीने बिल्कुल धूप आती नहीं है, लेकिन मैं सभी पौधे लगाती हूँ। अभी एकदम मेरे यहाँ मार्च में धूप आएगी, क्योंकि ये उत्तरी तरफ का हमारा बालकनी है तो अजीबा धूप आती नहीं। मुझे पेड़ का बहुत शौक है तो मैं सभी पेड़ लगाती हूँ। ये देखिए, ये पान का पेड़ है, ये इंडोर प्लांट। हम बाहर भी हल्के धूप नहीं रहते भी चलेगा तो हम ये भी पेड़ लगा सकते हैं। तुलसी, ये भी देखिए धूप नहीं है फिर भी मेरा बहुत ही बढ़िया पेड़ हो रहा है। और यहाँ एक देखो चाइनीज़ मनी प्लांट, इसको भी ज़्यादा धूप की गरज नहीं है। मार्केट में से हम बहुत महंगा मिलता है, लेकिन हम इसके कटिंग करके बहुत ज़्यादा भी बना सकते हैं। और स्नेक प्लांट तो बाहर भी लग सकते हैं, इंडोर भी लग सकते हैं, और अपना वातावरण भी अच्छा करता है, एयर प्योरीफायर है, दूषित हवा को पूरा अपनी तरफ खींच देता है। तो ये पेड़ तो सभी ने लगाना ही चाहिए। मैंने काफ़ी वीडियो भी शेयर किए हैं। ये देखिए स्नेक प्लांट, यहाँ पे मैं 2 ही रखा है इस बालकनी में। ऐसे छोटे छोटे हमारे यहाँ बालकनियाँ हैं, हम बना के रखे हैं इसे। मैं काफ़ी पेड़ पौधे लगाती हूँ। ये देखिए, ये भी बहुत ही बढ़िया। और एक जेट प्लांट भी लगा सकते हैं, और धूप नहीं है फिर भी बहुत बढ़िया हो रहा है मेरा जेट प्लांट। और नेक्स्ट ये अपना, इसको काफ़ी नाम भी है, शतावरी भी बोलते हैं, कुछ घास वाला भी बहुत ही बढ़िया है ये। लेकिन ये भी जग रहा है क्योंकि हल्की सी हवा आती है, धूप नहीं आती, लेकिन हवा से वो पेड़ बहुत अच्छा से सर्वाइव कर रहा है। और नेक्स्ट हमारा ये चाइनीज, देखिए मैंने कटिंग से कितने सारे प्लांट ऐसे बनाती हूँ, बहुत महंगा है ये मार्केट से लाते हैं तो। और ये सिंगोनियम, ये तो ऑक्सीजन वाला प्लांट है, इसके भी मेरे काफ़ी पेड़ लगे हैं, इसके वीडियो भी मैंने शेयर किए हैं। ये हम सिंगोनियम वाला लगा सकते हैं। और ये रिवो का भी प्लांट लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा दिखता है, इसके भी मेरे पेड़ है उधर लगे हुए, मैं लास्ट में दिखाऊंगी। और मनी प्लांट, ये देखिए, ये बालकनी मैंने अपना स्नेक प्लांट लगाया है। ये देखिए कितना छोटे से गमले में और कितना बढ़िया, ये भी हम लोग इंडोर रख सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये देखिए बिना धूप का, ये भी हम पेड़ लगा सकते हैं, अपना स्टाइलिश प्लांट है, बहुत ही सुंदर दिखता है ये, धूप की गरज नहीं है, हवा आती है उसी से ये पेड़ बढ़िया हो रहा है। ये देखिए सिंगोनियम प्लांट, इसको भी ज़्यादा धूप की गरज नहीं है, देखिए कितना बढ़िया हो रहा है ये। और यहाँ पे मनी प्लांट, हम मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, इसको भी ज़्यादा धूप की गरज नहीं है, बहुत आसानी से लग जाता है। और ये देखिए रियो का, इसको भी ज़्यादा धूप की गरज नहीं, ये भी इंडोर प्लांट ही है। और ये पान का, ये बांग्ला पान। और ये देखिए कितना खूबसूरत है स्पाइडर प्लांट, बहुत बढ़िया, इसको भी ज़्यादा धूप की गरज नहीं है, बहुत अच्छे से हो रहा है। और एक अरिका पाम भी लगा सकते हैं, इसको भी एक बाहर अंदर इंडोर आउटडोर दोनों तरफ से लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी धूप की ज़्यादा गरज नहीं है, बहुत बढ़िया ये अरिका पाम। और हम हैंगिंग के लिए इंडोर भी रख सकते हैं टैंगड, ये हार्ट प्लांट, ये देखिए कितना ग्रीन हो रहा है, इसको भी ज़्यादा धूप की गरज नहीं, खाली हवा भी रहती तो ये बहुत बढ़िया प्लांट होता है। ये देखिए कितना लंबा उसका ये हुआ पत्ते। तो हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने काफ़ी जगह में पेड़ लगाए हैं, थोड़े थोड़े आपको दिखाए हैं, बहुत ऐसे पेड़ है, काफ़ी बालकनी में लगाए हैं। तो हम अपना पेड़ से हवा शुद्ध आती है, पेड़ लगाने से गर्मी कम हो जाती है, बहुत फ़ायदे हैं घर में प्लांट लगाने के। तो आप भी सब लगाइए और आँखों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। देखिए मेरे घर के सामने इतना आम का पेड़ है, ये बालकनी के बाहर बहुत ही अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।